गैस मास्क लगाए हुए एक आदमी एली अपनी कार्ड को पुल करता हुआ एक टाउन की ओर ले जा रहा था। एक दूसरा आदमी उसे रोक लेता है और उसकी कार्ड में से कुछ फ्रूट सिलेक्ट करने लग जाता है। तभी डार्क हॉर्सेस पर बैठकर दो आदमी वहां पर आते हैं। वो दोनों ही मास्क लगाए हुए थे। वो लोग उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि वो लोग दूसरे लोगों से खाना क्यों चुरा रहे थे। उन लोगों की आपस में लड़ाई होने लग जाती है। घोड़े पे बैठा हुआ एक राइडर एक आदमी को मार देता है जबकि एली वहां से भाग जाता है। राइडर्स अपना मास्क उतार देते हैं और हम लोग देखते हैं कि डार्क हॉर्सेस पर बैठे हुए ड्वाइट और शैरी थे। ड्वाइट और शैरी सप्लाईज को लेकर अपने सेलर में वापस आ जाते हैं। उस सेलर में वो लोग न्यूक्लियर एक्सप्लोशन के समय से ही केविन किम और उनकी बेटी ब्रिका के साथ रह रहे थे। केविन और किम दोनों ही ड्वाइट और शैरी को सजेस्ट करते हैं कि उन लोगों को अब सेलर से बाहर निकल कर किसी और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ड्वाइट और शैरी दोनों ही किम और केविन को कुछ समय और वेट करने के लिए कहते हैं। वो दोनों उन दोनों को पैट्री के बारे में बताते हैं जिसकी वो खोज कर रहे थे। ड्वाइट और शैरी को तभी रेडियो पर मैसेज आता है, कोई आदमी डार्क हॉर्स राइडर से मदद मांग रहा था। ड्वाइट और शैरी दोनों ही उस मैसेज करने वाले से उसकी लोकेशन के बारे में पता करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। ड्वाइट और शैरी दोनों को ही हावर्ड अपने रेंजर्स के साथ पकड़ लेता है और उन लोगों को लेकर टावर तक पहुंच जाता है। स्ट्रेन टावर में गोल्फ खेल रहा था। हावर्ड ड्वाइट और शैरी को एक बैग पहनाकर लेकर आया था। वो लोगों के फेस से बैग को रिमूव कर देता है। स्ट्रेन ड्वाइट और शैरी को इस तरह से देखकर जोरों से हंसने लग जाता है। वो बहुत समय से डार्क हॉर्स राइडर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और अब उनकी आइडेंटिटी को जानकर वो हंसने लगा था। स्ट्रेन ड्वाइट और शैरी को टावर का एक टूर कराता है और उन्हें बताता है कि जून वेंडल और सर जॉन ने उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है। स्ट्रेन उन लोगों को ये भी बताता है कि उन लोगों ने मॉर्गन और ग्रेस को अपनी कम्युनिटी में जगह नहीं दी थी। स्ट्रेन ड्वाइट और शैरी को एक ऑफर देता है। वो उन दोनों को कहता है कि अगर वो लोग टावर में रहने वाले एक रेजिडेंट मिकी को ढूंढ कर उसके पास ला दें तो वो उन दोनों को टावर में रहने की परमिशन दे देगा। स्ट्रेन उन लोगों को बताता है कि मिकी अपने हस्बैंड की खोज में वहां से बाहर निकल गई थी और मिकी ने रेडियो ट्रांसमिशन पे एक प्लेस पैड्रे के बारे में सुना था। उस प्लेस के बारे में सुनकर वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी जिसके कारण उसने टावर छोड़ दिया था। ड्वाइट और शैरी दोनों ही स्ट्रेन के इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देते हैं। हावर्ड ड्वाइट और शैरी दोनों को ही टावर के बाहर लाकर छोड़ देता है। हावर्ड के वहां से जाने के बाद शैरी ड्वाइट को सजेस्ट करती है कि उन लोगों को मिकी को ढूंढना चाहिए और उसके साथ उन लोगों को पैड्रे की खोज करनी चाहिए। ड्वाइट और शैरी को मिकी एक बार के अंदर मिल जाती है। मिकी वहां पर डक्ट टेप और फोन बुक की मदद से अपनी सेफ्टी के लिए एक बॉडी सूट तैयार कर रही थी। मिकी को ड्वाइट और शैरी की आवाज सुनाई देती है। वो समझती है कि स्ट्रेन ने उन दोनों को उसे लाने के लिए भेजा था। मिकी उन दोनों को दूर से ही बता देती है कि वो लौटकर टावर पर नहीं जाएगी। ड्वाइट मिकी को समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उससे बात करना चाहता है लेकिन मिकी उसकी बाह को पकड़कर मोड़ देती है। शैरी तभी मिकी को गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे क्लियर करती है कि वो लोग मिकी की मदद करने के लिए वहां पर आए थे और उसे क्लियर करती है कि वो लोग मिकी की उसके हस्बैंड को ढूंढने में मदद करना चाहते हैं। मिकी शैरी और ड्वाइट को बताती है कि वो स्ट्रेन की टावर से इन फोन बुक्स को अपनी बॉडी पर एक आर्मर के रूप में लपेट कर ही जॉम्बीज के ग्रुप के बीच में से होती हुई बाहर निकली थी। मिकी उन लोगों को बताती है कि स्ट्रेन उसके टावर से बाहर निकलने के तरीके को लोगों से छुपा कर रखना चाहता था और इसीलिए वो मिकी को पकड़कर टावर पर वापस बुलाना चाहता था। ड्वाइट मिकी को बहुत गौर से देखता है। उसे याद आ जाता है कि मिकी अपने जमाने में एक प्रोफेशनल रेसलर रह चुकी है जो अपने हस्बैंड क्लिफ के साथ लगातार टूर किया करती थी। ड्वाइट के उसको पहचाने जाने के बाद मिकी उसे बताती है कि उसने अपने कैरियर के खत्म हो जाने के बाद अपने हस्बैंड क्लिफ के साथ एक जिम खोल लिया था। मिकी उन लोगों को ये भी बताती है कि एपोकैलिप्स के बाद उसने और उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी पिछड़ जाए तो दूसरा उसे खोजने के लिए जिम तक पहुंच जाए। ड्वाइट और शैरी मिकी के साथ क्लिफ को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग मिकी के साथ पैड्रिक को भी खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्वाइट शैरी और मिकी को लेकर सेलर तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि किम और केविन को किसी ने सिर में शूट कर दिया था। ब्रिका भी मरकर रीएनिमेट हो चुकी थी। शैरी और ड्वाइट दोनों ही मिलकर उन लोगों की बॉडी को दफना देते हैं। शैरी और ड्वाइट समझ जाते हैं कि उन लोगों को जरूर एली ने ही मारा होगा। ड्वाइट को वहां के हालात देखकर ऐसा महसूस होता है कि उन लोगों को स्ट्रेन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ड्वाइट को अब ऐसा लगने लगा था कि टावर उन सभी लोगों के लिए एक सेफ प्लेस हो सकती थी।
विक्की उन लोगों की बातों को सुनती है, लेकिन वो टावर वापस लौटने से मना कर देती है। शैरी क्लिफ को ढूंढने के लिए विक्की के साथ जिम की ओर रवाना हो जाती है और वो जाते जाते ड्वाइट को बार पर मिलने के लिए कहती है। विक्की और शैरी दोनों ही जिम की ओर रवाना हो चुके थे। विक्की शैरी को बताती है कि वो समझ सकती है कि ड्वाइट सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था और वो इसीलिए टावर पर जाने के लिए इंटरेस्टेड था। शैरी विक्की को बताती है कि वो लोग एक बार एक कम्युनिटी में रहने के लिए एक आदमी से बार्गेन कर चुके हैं, लेकिन अब वो उस तरह का जीवन एक बार फिर से नहीं जीना चाहती क्योंकि उसने पहले ही इन लोगों के रिलेशन को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो दोनों ही मिलकर जिम तक पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि जिम पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। शैरी को तभी एक आइडिया आता है। इधर ड्वाइट को जंगल में अपना घोड़ा मिल जाता है। एली तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ड्वाइट अपने मुंह से आवाज निकालकर अपने हॉर्स को अलर्ट कर देता है और वो घोड़ा एली को टांग मारकर नीचे गिरा देता है। एली के पास से मरे हुए जॉम्बीज की पॉलराइड फोटोज नीचे गिर जाती है। ड्वाइट को याद आता है कि उसने उन पॉलराइड फोटोज को स्ट्रेंड की टावर के अंदर एक वॉल के ऊपर लगे हुए देखा था। ड्वाइट समझ जाता है कि स्ट्रेंड ने एली को किम और केविन का मर्डर करने के लिए भेजा था। जॉम्बीज एली को घेर लेते हैं और उसे खाने लग जाते हैं। ड्वाइट उसको उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। शैरी मिक्की को जॉम्बीज के गट से पूरी तरह से कवर कर देती है। मिक्की जॉम्बीज के झुंड से होती हुई जिम के फ्रंट डोर तक पहुँच जाती है। मिक्की को जिम का फ्रंट डोर लॉक मिलता है। मिक्की तभी वहीं पर लड़खड़ा जाती है। जॉम्बीज आवाज सुनकर उसके और अट्रैक्ट हो जाते हैं। शैरी दूर से ही फ्रंट डोर के ऊपर गोली चला देती है जिससे वहाँ की ग्लासेस टूट जाते हैं। शैरी और मिक्की दोनों ही जिम के अंदर चले जाते हैं। शैरी और मिक्की दोनों ही जिम के फ्रंट गेट को जिम गियर से ब्लॉक कर देते हैं। जिम के दूसरी तरफ से जॉम्बीज लगातार उनके और बढ़ते जा रहे थे। शैरी वही बने हुए बॉक्सिंग रिंग के अंदर चली जाती है। मिक्की को तभी ग्लिफ दिखाई देता है जो कि अब रीएनिमेट होकर एक जॉम्बी के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। मिक्की रोती हुई क्लिफ की ओर बढ़ने लग जाती है। शैरी तुरंत ही वहां आकर क्लिफ को मार देती है। मिक्की भी शैरी के साथ रिंग में पहुंच जाती है। तभी रिंग कॉलेप्स हो जाता है और जॉम्बीज उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। शैरी तुरंत ही स्ट्रेंड से मदद मांगने के लिए अपनी वॉकी उठा लेती है। तभी ड्वाइट वहां पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाकर शैरी को बताता है कि केविन और किम को स्ट्रेंड ने ही मरवाया था। वो तीनों मिलकर जॉम्बीज का सामना करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। ड्वाइट मिक्की को एक लेटर देता है जो कि उसे क्लिफ की बॉडी को क्लीन करते वक्त मिला था। क्लिफ ने मिक्की के लिए उस लेटर में गिव अप नहीं करने के लिए कहा था। ड्वाइट शैरी से अकेले में बात करता है और उसे क्लियर करता है कि उसका टावर पे जाने का सिर्फ एक ही मोटो था कि वो शैरी के साथ अब एक फैमिली शुरू करना चाहता था। शैरी और ड्वाइट दोनों ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को अब फ्यूचर को स्टार्ट करने के लिए यानी कि फैमिली को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह की जरूरत नहीं है और अब वो लोग इसके लिए वेट नहीं करेंगे। शैरी और ड्वाइट को तभी रेडियो पर आती हुई एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किनी डार्क हॉर्सेस के बारे में पूछ रही थी। ड्वाइट शैरी और मिक्की तीनों ही उस कॉल का आंसर देने के लिए वेस्टलैंड में पहुंच जाते हैं। उन लोगों को मीटिंग पॉइंट पर एक मास्क मैन दिखाई देता है। शैरी ड्वाइट और मिक्की के वहां पहुंचते ही और बहुत सारे मास्क मैन वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग उन लोगों को पैट्रिक को ढूंढने में मदद करने के लिए कहते हैं।